दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने फेफड़ों को हमेशा स्वस्थ रखना और उनको बीमारी से बचाना, तो आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों को ताकत देने के लिए बहुत ही असरदार आसान घरेलू नुस्खा। जैसा कि आप जानते हैं, लंग्स हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है, और अगर आपके लंग्स बीमार हैं, अगर आपके लंग्स में समस्या हो जाए तो आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, टीबी और यहां तक कि लंग कैंसर। तो दोस्तों, आज के नुस्खे में आपको शेयर करूंगा कि एक ऐसा नुस्खा जो आपके लंग्स को हमेशा हेल्दी रखेगा, आपके लंग्स बीमारियों से बचाएगा और आपको आने वाली बीमारियों से बचाएगा, और आपके फेफड़ों और आपके लंग्स यानी फेफड़ों को किसी भी तरह का इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाव प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों, उसके लिए बहुत कारगर नुस्खा है। इसके लिए आपको चाहिए मुनक्के। जी हाँ दोस्तों, मुनक्के आपने नाम सुना भी होगा, देखा भी होगा, और मैं यकीनन कह सकता हूँ आपने इसे कभी ना कभी सेवन या खाया भी होगा। दोस्तों, उसके लिए आपको डेली यानी कि रोजाना 5 मुनक्के लेने हैं। रात को यानी कि रात को पानी भिगोकर आप 5 मुनक्के रख दीजिए। इनको अच्छे से साफ सुधरा करके धो के पानी में रख दीजिए। तो एक कटोरी में या फिर किसी भी तरह के पानी के बर्तन में भिगोकर आप रख दीजिए, और सुबह उठने के बाद और फ्रेश होने के बाद सुबह सुबह खाली पेट आप मुनक्कों को अच्छे से चबा चबा कर खाइए, और उसकी जो गुठली है उसको निकाल कर आप फेंक दीजिए, और उसको काफी अच्छे अच्छे से चबा कर आप खाना है, और उसके बाद आप करीब 1 गिलास या 1 कप हल्का गुनगुना गर्म पानी पी लीजिए। दोस्तों, सिर्फ आपको ये करना है। तो दिन में 1 बार आपको मुनक्के का सेवन करना है, वो भी सुबह सुबह खाली पेट। जैसे कि आप जानते हैं, कल मैंने एक और वीडियो शेयर की थी कफ की समस्या के लिए, तो दोस्तों आप वो भी देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी। वो नुस्खा भी बहुत सटीक है, उसके लिए आप लहसुन का इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों, ये दोनों वीडियो आप रेफर कर सकते हैं अपने लंग्स की समस्या के लिए। ऐसा करने से इससे आपके जो फेफड़े हैं वो मजबूत होंगे, लंग्स की तमाम तरह की जो समस्या है, बीमारियां हैं, वो दूर होंगी, और जो आने वाली कई सारी बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उन सबसे फाइट करने के लिए आपके जो लंग्स हैं उनके अंदर मजबूती आएगी, और हर तरह का इन्फेक्शन आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। दोस्तों, ये थे कुछ कारगर उपाय जिसको आप आराम से कर सकते हैं घर बैठे, और अपने लंग्स को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि ये उन लोगों के लिए भी सबसे कमाल का नुस्खा है जो लोग बहुत ज्यादा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग सिगरेट और बीड़ी बहुत ज्यादा पीते हैं, उनके लंग्स यानी कि फेफड़े वो काफी कमजोर हो जाते हैं, और उनके लिए ये नुस्खा बहुत शानदार है। इसके साथ साथ आप एक काम और करें कि दिन में डेली खूब सारा पानी पीजिए, करीब करीब 3-4 लीटर यानी कि कम से कम 10-12 गिलास पानी जरूर पीजिए। ऐसा करने से जो आपके शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाते हैं, और आपका शरीर अंदर से प्योरीफाई होते हैं, आपके लंग्स प्योरीफाई होते हैं, और आपके अंदर से सफाई होती है। हाँ, ध्यान ये बात रखें कि आप बहुत ज्यादा ठंडा चिल पानी ना पिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पिए, इससे आपको फायदा रहेगा और आपका गला और आपके लंग्स हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपके मन में कोई सवाल तो उसे कमेंट के माध्यम से मैं जरूर पूछे। दोस्तों, आप सभी ने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।